हितेश वाजपेयी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, देखिए आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे ने खुद ही सरेंडर कर लिया, इस्तीफा दे दिया, अब आगे क्या प्लान है? देखिए, जीत तो लोकतंत्र की है, जनता की है। हाँ। क्यों है? क्योंकि जब चुनाव थे, चुनाव में हम लोग अलायंस में गए थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, और प्रीपोल अलायंस था, सीट शेयरिंग भी थी, और उसमें हमारी 150 से अधिक सीटें आई थी। तो स्वाभाविक है कि बहुमत इसी अलायंस का था, लेकिन दुर्भाग्य से उद्धव ठाकरे जी को पता नहीं क्या उनके सूझा कि उन्होंने प्रीपोल अलायंस को तोड़कर एक अवसरवादी पोस्टपोल अलायंस बनाया और लोकतंत्र की पीठ में चुराबों का, और वो सरकार भी हमने देखी 2 साल कैसे चली, भटकी भटकी चली। कभी ड्रग केस में आदित्य ठाकरे जी ही दिखाई दी है, परमवीर सिंह के साथ क्या हुआ, लोगों के मर्डर हुए, कंगना रनौत जैसे, और बहुत सारे लोगों को घरों में परेशान किया गया। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो उसके घर भी शिवसैनिक कुल से जा रहे हैं। तो 2 साल इसके भी बहुत विकट निकले हैं, जिसमें इनको छवि का भी नुकसान हुआ, साथ साथ सरकार भी ठीक से नहीं चला पाए। संजय राउत को आपने देखा, कुछ भी बयान दे रहे हैं सुबह से शाम तक, इतना अहंकार साफ सत्ता का, ये तो हमने कभी नहीं देखा। तो इस सबसे मुझे लगता है महाराष्ट्र को निजात मिली, और 106 विधायकों के साथ सबसे बड़ा दल हमारा है। बाकी किसी भी दल को हमसे आधी सीटें भी नहीं है। हाँ। तो स्वाभाविक है। हितेश जी, जो ये बागी विधायक है, क्योंकि देखिए ये भी अब आपके साथ ही आ जाएंगे, और जैसा कि लगातार हम ये देख रहे हैं, आंकड़े बहुत ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र में, इन सब के बीच जब आपकी सरकार बनेगी, जब देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या फॉर्मूला सेट किया है? देखिए, आप जो कह रही है अभी तो वही सेट नहीं है। हाँ। आज बैठ के नेता लोग निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा, सरकार बनाने का दावा किया जाएगा नहीं किया जाएगा, किसके साथ किया जाएगा, कौन कौन लोग साथ आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं। मुझे लगता है आज का पूरा दिन शाम तक ये तस्वीर साफ होगी। पर हाँ, महाराष्ट्र में लोकतंत्र का सूर्योदय फिर से हुआ है। हाँ। एक काली रात के बाद, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार मिलने जा रही है।